हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है रेशो एनालिसिस, उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर में, तो किस टाइप के आएंगे तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी कि मतलब जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो पूरा हमारा क्या है रेशियोज के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें सब ऐसा तो है नहीं ना कि आपसे डेफिनेशन पूछेंगे, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले हैं, बस आपको क्या करना है क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम अपने न्यूमेरिकल्स करोगे और ये हमारा एक सिर्फ एक इकलौता यही चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो इसलिए आपको बस फॉर्मूला याद करने जाना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज को रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो उसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए या तो एक बैलेंस शीट दी जाएगी और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब देखो बैलेंस शीट में सारे हमारे डिटेल्स हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, जैसे लोन्स की अगर हमें जरूरत पड़ेगी, लायबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, है ना, असेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड की जाएंगी क्वेश्चन पेपर में ही, तो इसलिए आपको उसके लिए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे, पहला दिया है कैलकुलेट द करंट रेशियो। जैसा हमारे रेशियोज हमें जिस टाइप में बुक में दिए हुए हैं उसी फ्लो में मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं करंट रेशियो दे रखा है बुक में तो मैंने ऐसे ही कंटिन्यू कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, कैलकुलेट द करंट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड कर देंगे, इसके बेसिस पे हमें क्या करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, करंट रेशियो को निकालना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं से चीटिंग नहीं करनी, अगर नहीं याद है तो पहले याद करो उसके बाद सॉल्व करना। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की हमें जरूरत है। तो यहाँ अगर हम देखें तो करंट असेट्स की वैल्यू क्या है, ये रहा हमारे करंट असेट्स। तो करंट असेट्स की वैल्यू है 23.40 और करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस की वैल्यू क्या है 16.00। और ये जो अमाउंट है ना ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इन करोड़ है, यानी कि 23.40 करोड़, 16 करोड़। तो ये इसलिए अब करोड़ हम बार बार जीरो नहीं लगाएंगे, इसलिए डायरेक्ट नंबर लिख दिया है। तो देखो करंट रेशियो यानी कि करंट असेट्स है 23.40 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज थी हमारी 16.00। तो देखो पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 20 है यानी कि मल्टीप्लाई में 100, फिर यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 20 है, यहाँ पे 2 digit है यानी कि 20 आ जाएंगी, फिर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 240, देखो अब यहाँ पे 20 से ये 100 कैंसिल हो गए, अब यहाँ पे क्या बचा 16 00 और 23400। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 160 डिवाइडेड बाय 234। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा करंट रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1.46। अब डिवाइड करना आपका काम है, वो मैं कैलकुलेशन पार्ट आप पे छोड़ देती हूँ। अब देखो आगे दिया है कैलकुलेट द एसेट टेस्ट रेशियो व्हेन करंट लायबिलिटीज आर 16.00, इन्वेंट्रीज आर 10.60 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर 0.80। तो एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स बाय माय करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स हम कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, करंट असेट्स माइनस करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले करंट असेट्स यानी कि 23.40 माइनस इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री हमें दे रखी है 10.60 और प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि इन्वेंट्री 10.60 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 0.80। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 23.40 माइनस 10.60 प्लस 0.80 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज हमारी 16.00 की। तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद माइनस करेंगे और फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एसेट टेस्ट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक मिनट, हाँ, तो हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, हमारा जो हमारी जो नेट सेल्स हुई हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो हमारा नेट सेल है। अब यहाँ पे देखो नेट सेल हमें यहाँ पे देखिए सेल्स और नेट,
तो ये हमें दे रखा है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में। ये आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको ऐसे बैलेंस शीट नहीं दी ना, तो देखो सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाई थी, ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद ही आपको आंसर सॉल्व करना होगा। तो नेट सेल्स यानी कि 105.00 ये इन करोड़ है वैल्यू, तो 105.00 माइनस में हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब देखो जितने की सेल्स हुई उसमें से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारी जो नेट सेल्स है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी। तो 105 माइनस 16 तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो तो पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और देखो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि 13.00 और क्लोजिंग स्टॉक को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी हमारी एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज निकालनी है ना, तो एवरेज लेके आए पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि दो नंबर हैं, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारी एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट पेज में मैंने इसे सॉल्व कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, नेट सेल्स हमने क्या करी, नेट सेल्स में से हमने ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 89.00, और एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग स्टॉक ये रहा हमारा 13.00। अब पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, तो 13 को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ क्या जाएगा 28, इन दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइड करोगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 14। अब देखो यहाँ पे 28 इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 14 हो गया। अब 0.00 और 28 क्योंकि यहाँ पे 0.00 था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0.00 लगा दिया। यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100, यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 कैंसिल हो गया। लास्ट के दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 14 को डिवाइड करना है 89 से, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.36। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैं आपको बार बार कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ, वरना वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हेन नेट क्रेडिट सेल्स आर 105.00 एंड अकाउंट डेप्टर आर 11.80 देन कैलकुलेट द डेप्टर टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे हमें पहले ही टर्म्स दे दी हैं, मैंने आपको अभी कहा कि अगर हमें इस तरह से पूरे डेटा नहीं दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन में ही क्या है वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, किस टाइप के आएंगे, वो सब मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आप बस मेरे से कनेक्ट रहो, मुझे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको जो भी न्यू अपडेट आए, जो भी अगर मैं नए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ तो आप आराम से कर पाऊँ। देखो डेप्टर टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला के ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले आते हैं तो न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे, नहीं आते तो भला कैसे करोगे, ऑब्वियस सी बात है मैथ्स भी नहीं कर पाते बिना फॉर्मूला के तम, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद करना है, तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट डेप्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें हम, तो देखो नेट क्रेडिट सेल्स अभी हमने देखा सेल्स कितनी है हमारी 105 की, आगे क्या बोला एवरेज अकाउंट डेप्टर, तो यहाँ देखो यहाँ पे हमें एवरेज अकाउंट डेप्टर पहले से ही दे रखा होगा, कहा गया हमारा एवरेज डेप्टर, ये देखो डेप्टर हमें दे रखा है तो 11.80, तो वो पहले आप यहाँ पे पुट करोगे तो जब हमें डेप्टर प्रोवाइड है तो हमें इधर उधर भागने की क्या जरूरत है, डेप्टर हमें दे रखा है डायरेक्ट लगाओ यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुट करो। देखो आपने क्या लिखा, आपने नेट क्रेडिट सेल्स लिखा 105.00 और 11.80। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो दो डिजिट है तो 100 हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसा कहना चाहती हूँ 100.00 बाय में 11.80, ये पॉइंट हटाओगे तो 100 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो 100 हो जाएगा, कैंसिल हो गया इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.8983। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लास्ट की दो डिजिट भी लिखते हो तो उतना काफी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब बार बार ये नहीं बोलेंगे कि कैलकुलेट करो, ऐसा भी बोल सकते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड को, तो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के दो फॉर्मूले हैं, दो मेथड हैं, तो मैंने आपको दोनों यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फर्स्ट मेथड है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सेकंड मेथड होगा। तो पहले 5 देख लेते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज डेप्टर डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, यानी कि एवरेज डेप्टर भी हमने देखे, डेप्टर कितने हमारे 11.80 करोड़ के, तो यहाँ पे हमने लिखा एवरेज डेली क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितनी है हमारी, सेल्स हमारी 105.00 की।
अब हमें क्या बोला, एवरेज डेली क्रेडिट, डेली यानी कि एक साल में टोटल दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं, वो तो लीप ईयर होता है ना जिसमें 366 होते हैं, तो एवरेज, अब हमें वो लीप ईयर लेके नहीं चलना, हमें जो नॉर्मल है वो लेके चलेंगे 365, तो डेली का निकालना है। तो नेट क्रेडिट सेल्स जो है डिवाइडेड बाय आपके जो डेली के साथ, मतलब एक साल में जितने भी जो टोटल दिन है 365 से आप डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.28। अब यहाँ पे देखो इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 100 100 आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो देखो, अब यहाँ पे 0.28 लिखो या फिर 28 लिखो, डायरेक्ट एक ही बात है, तो इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 42.14। अब ये 42 दिन और 14 दिन क्या होता है, पॉइंट के बाद तो दिन होता नहीं है, फिर तो घंटे हो जाते हैं, तो अब आप डायरेक्ट से राउंड ऑफ करके 42 डेज यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालेगा। अब दूसरा मेथड जो है हमारा, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो देखो यहाँ भी हमें बोला है, एक मिनट बस, ओके, अब हमें बोला है व्हाट इज द अनदर मेथड टू कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, दूसरा मेथड हमें बताना है। इसमें हमें यहाँ पे इस डेटा की जरूरत पड़ेगी, डेटा की जरूरत हमें सब में ही पड़ेगी। तो देखो 365 डिवाइडेड बाय डेप्टर टर्नओवर, तो अब देखो डेप्टर टर्नओवर अभी हमने पहले ही निकाला था डेप्टर टर्नओवर रेशियो में, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो डेप्टर टर्नओवर। या तो आप ये मेथड यूज कर लो, जो आपको आसान लग रहा है वो मेथड यूज करो, या तो ये डायरेक्ट एवरेज डेप्टर वाला और क्रेडिट सेल्स वाला लगाओ, या फिर आप ये 365 डिवाइडेड बाय एवरेज सॉरी डेप्टर टर्नओवर वाला लगाओ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेंगी डेली की, इसके लिए आपको डेप्टर टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। अब डेप्टर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट डेप्टर। तो देखो नेट क्रेडिट सेल्स थी 105 की और एवरेज डेप्टर था हमारा 11.80 का, निकालेंगे तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो जगह 8.8983, तो यहाँ पे हम वही वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो 365 डेज डिवाइडेड बाय डेप्टर टर्नओवर, तो 365 डेज डिवाइडेड बाय डेप्टर क्या है हमारा, डेप्टर टर्नओवर रेशियो वो है 8.8983। अब इन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारा नेक्स्ट पेज पे है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ना 41 point something आएगा, तो हम राउंड ऑफ करके उसे 41 डेज लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि उसमें पहले वाले में तो 42 डेज आ रहा है, इसमें 41 डेज आ रहा है, तो देखो एक दो दिन का फर्क तो चलता ही है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 42 डेज 41 डेज ये आपस में ही क्या है, अप्रॉक्स हम समझ लेते हैं, तो इसलिए आप कोई सा भी आंसर निकालो आपका सही ही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो एंड टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट बोथ ऑफ इट। यानी कि हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि एक तो फिक्स्ड असेट और टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला लिखो और दोनों को कैलकुलेट भी करके दिखाओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहले हमने फिक्स्ड असेट का किया है, तो पहला है हमारा फिक्स्ड असेट वाला और दूसरा है हमारा टोटल असेट वाला। तो पहला क्या है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट्स। मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले याद करोगे तो ही आप सॉल्व करवाओगे क्वेश्चंस को, अदरवाइज आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले याद करो ताकि आप यहाँ पे खुद की अपनी एक प्रैक्टिस कर पाओ। तो देखो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो क्या है, नेट सेल्स क्या है, अभी इतनी देर से करते आ रहे हैं 105.00, देखो यहाँ पे नेट सेल्स हमारी 105.00 डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट्स। तो अब यहाँ पे अगर हम अपने नेट फिक्स्ड असेट्स देखें तो वो हमें यहाँ पे दे ही रखा होगा, ये रहा हमारा 60.00, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 60.00। ठीक है, आपको डिटेल्स, आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, आपको बस फॉर्मूला लगा के पुट करना है, इससे आसान क्या होगा मैथ्स में, सॉरी न्यूमेरिकल्स इतने आसान आ रहे हैं ना सच में कि आप यूं कर लोगे, चुटकी बजाते ही कर लोगे। तो देखो आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटाओगे, फिर 0 0, फिर 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 60 को डिवाइड करोगे 105 से, तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो आएगा आपका 1.75। अब टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखना है, फिर कैलकुलेट भी करके दिखाना है। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स। ठीक है, अब नेट सेल्स तो हमें पता है 105, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो हमें दे ही नहीं रखा है पूरे इस डेटा में, अगर आप छानबीन करोगे ना कि एवरेज टोटल असेट्स का वैल्यू क्या है, तो टोटल असेट्स की जैसे यहाँ पे लिखा है ना एवरेज टोटल असेट, तो टोटल असेट्स की वैल्यू नहीं हुई। अब आप खुद दिमाग लगाओ, असेट्स हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स्ड असेट, एक होता है हमारा करंट असेट्स, है ना। तो अब अगर हमें टोटल असेट बोला है तो टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका टोटल असेट्स आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि दो चीजें हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टोटल सेव है, पूरा एक सेव है, अब मैंने वो दो, उसके दो पार्ट हो रखे हैं ना, ये पूरा एक सेव है, इतना गंदा, चलो कोई बात नहीं, ये एक सेव है ना, अब ये टोटल है पूरा, अब इसके क्या हो रखे हैं,
ये यहाँ से आधा है और फिर ये यहाँ से आधा है, आप समझ लेना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब ये आधा आधा हो रखा है, तो समझ लो ये तो है फिक्स्ड एसेट, है ना, और ये है आपके करंट एसेट्स। तो अब मैं कहूँ कि टोटल एसेट्स निकालो तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ करना है, यहाँ बोला है एवरेज टोटल एसेट्स, तो यानी कि एवरेज बोला है तो डिवाइड बाय टू कर दोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। तो देखो टोटल एसेट मतलब कि फिक्स्ड एसेट यानी कि 60.00 प्लस में करंट एसेट 23.40, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर आ जाएगा 41.70, ठीक है। अब उसे डिवाइड कर दोगे इससे 105.00 से, तो कैलकुलेशन में तो आप लोग माहिर हो ही, इतना टेंथ में आ गए हो, इतना तो आना ही चाहिए ना। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा पर 2.51। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, एक मिनट बस, ओके थोड़ा सा कैमरा हिल गया, सॉरी। ओके यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो व्हेन डेप्ट इज 46.00 एंड इक्विटी इज 38.00 एंड लायबिलिटीज इज ऑफ 16.00। हमें क्या करना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है, फॉर्मूले के नाम में ही फॉर्मूला दे रखा है डेप्ट इक्विटी। तो डेप्ट मतलब टोटल डेप्ट, इक्विटी मतलब टोटल इक्विटी, काम खत्म। तो टोटल डेप्ट क्या है हमारा, डेप्ट की वैल्यू दे रखी है 46.00, टोटल इक्विटी की वैल्यू दे रखी है 38.00। अब आप सोचोगे लाइबिलिटी की क्या मतलब, क्या काम है इसका, यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्म दे रखी है, ताकि बच्चे सोचें यार ये क्वेश्चन में दिया है तो इसको कुछ तो करेंगे ना। कुछ नहीं करना है इसका, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ऐसे कंफ्यूजन से बोलना, अबे तू हमें सिखाएगा, हमें कंफ्यूज करेगा, अबे क्वेश्चन इतने तो हमने ऐसे सीख रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो हम ब्रिलियंट माइंड से सीख के आए हैं, ऐसे क्वेश्चन में से छुड़ाना, ठीक है। तो देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है हमारा, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो 46.00 डिवाइडेड बाय 38.00, पॉइंट हटाओगे वापस वही 00, 20 से 20 कैंसिल, डिवाइड करोगे डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा आपका 1.21। तो ये हो गया हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब आगे बढ़े तो हमें क्या करना है, डेप्ट एसेट रेशियो। ये फॉर्मूला भी, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला भी आपको इसके उसमें नाम में ही मिल जाएगा, डेप्ट एसेट रेशियो यानी कि टोटल डेप्ट, असेट यानी कि टोटल असेट। तो टोटल डेप्ट क्या हमारा 48.00, ये हमें यहाँ पे भी दे रखा है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ गया हमारा डेप्ट, डेप्ट होता है हमारा ये, यानी कि जो हमारे लोन्स है ना वही क्या होता है हमारे, एक मिनट बस, टोटल डेप्ट बोला है ना हमें यहाँ पे, हाँ, तो जो हमारे लोन होता है ना जैसे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, यही है, यही हमारे कर्ज है, यही हमारा डेप्ट है। तो ये है यहाँ पे, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे 21 प्लस 25, तो आपका क्या आ जाएगा 46.00। और इक्विटी यहाँ पे क्या बोला था, टोटल इक्विटी, तो इक्विटी क्या होती है हमारी, इक्विटी यहाँ पे अगर हम देखें टोटल इक्विटी यानी कि टोटल बोलिए ना, तो एक शेयर कैपिटल हमारी क्या होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो हमारी इक्विटी में ही तो आते हैं, और रिजर्व और सरप्लस भी क्या होता है, हमारे इक्विटी होते हैं। तो 16.00 प्लस 22.00 का आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38.00। तो आप ऐसे कैलकुलेट यहाँ पे करना। अब देखो डेप्ट असेट रेशियो में क्या है, टोटल डेप्ट, तो डेप्ट होता है हमारे लोन वाला पार्ट, तो देखो लोन दोनों को प्लस करोगे क्योंकि टोटल डेप्ट बोला ना टोटल, तो टोटल यानी कि दोनों को प्लस करना है, तो 21.00 प्लस में 25.00, तो आंसर आ जाएगा आपका 48.00, दिख रहा है ना आपको, हाँ। और क्या बोला है, टोटल असेट, टोटल असेट अभी मैंने बताया था फिक्स्ड असेट और करंट असेट को ऐड करना है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 83.40। तो अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे वापस 100 100, 10 से 10 कैंसिल, तो अब आपको क्या करना है, 480 डिवाइडेड बाय 834 डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, वो मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। ओके मैंने आपको कहा था ना आपको क्या करना है, 430 को डिवाइड करना है 834 से, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.57। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैंने वैसे कैलकुलेट कर रखा है। ओके अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके तो यहाँ में क्या दिया है, हाउ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड, यानी कि अब हमें बताना है इन्हें कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे बताओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाओ इन्हें, काम खत्म। तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारी अर्निंग होती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि टैक्स और इनका सॉरी क्या पता है, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो हमारी कमाई हो रखी है, जो अर्निंग हो रखी है,
उसे अगर हम डिवाइड कर दें अपने इंटरेस्ट से तो क्या आता है हमारा, तो आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अभी मैं आपको अपना जो हमारा डेटा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें, देखो अब सीधी सीधी सी बात है, अगर ना तो हमने इंटरेस्ट दिया है, ना हमने ब्याज दिया है किसी को, ना हमने अभी तक टैक्स भरा है, तो उसका मतलब क्या है, जितना भी पैसा है वो सारा क्या है हमारा प्रॉफिट है, यानी कि वो टोटल प्रॉफिट है जो अभी हमारे पास है, क्योंकि उसके में उसमें से अभी हमें इंटरेस्ट भी देना है टैक्स भी देना है, पर अभी हमें दिया नहीं है, बिफोर बोला है, तो उसका मतलब क्या है, वो हमारा टोटल प्रॉफिट है, यानी कि वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको ये टर्म समझनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में आपको दे रखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 16.00 का, तो यहाँ हम लिख लेंगे 16.00 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट हम कितना पे करते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा 16 करोड़ का, और इंटरेस्ट पे करते हैं हम 1 करोड़ का, क्योंकि 1.00 है और सारी टर्म्स क्या हमारी करोड़ में है, तो 1.00 मतलब 1 करोड़। तो अब जब आप इसे 1 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट हटाओगे, 100 100, 200 200 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय 16 क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गया हमारा 16। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। इतना आसान था, मतलब देखो इतना आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, आप तो पेपर में ऐसे ही आग लगा दोगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कैलकुलेट डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR। अब देखो कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है जो आपको बार बार लिख के देगा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, वो आपको अगर किसी को फॉर्म क्या बोलते हैं फुल फॉर्म नहीं आता है तो भी उसके लिए परेशानी हो सकती है, क्या पता वो आपको पूरा लिख के ना दे, वो ऐसे बोल दे कि कैलकुलेट DSCR, तो बच्चे सोचेंगे अरे ऐसे तो कुछ था ही नहीं, हमें तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, ऐसा कैसे आ गया। ये DSCR का मतलब है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो फुल फॉर्म भी याद करके जाना कि अगर इन शॉर्ट अगर इन केस वो आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं तो भी आप सॉल्व कर लो। तो DSCR का लिख दिया मैंने, DSCR ये मैंने गलत लिख दिया है, DSCR। चलो अब तो ठीक कर दिया ना मैंने, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो देखो इसका थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ऐसा लगता है जैसे सारी टर्म बस इसमें ही लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, क्या क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना है, जो हमारी जो मशीनरी है, जो हमारे असेट्स हैं उन पर डेप्रिसिएशन कितना है वो, डिवाइडेड बाय अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर, यानी कि वो एक्सपेंडिचर वो खर्चे जिनमें हमने अभी कैश नहीं यूज़ किया, इनकेस हमने कुछ और मोड ऑफ पेमेंट हमने यूज़ किया हो, और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, यानी कि जो हमने लोन लिया है उस पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये दो बार यहाँ पे आएगा, प्लस में रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, यानी कि आपने कितना लोन लिया है वो भी तो रीपे करोगे ना, बस ब्याज थोड़ी चुकाते रहोगे। तो DSCR का फॉर्म आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि हमने क्या किया, जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से हमने थोड़ा टैक्स दे दिया, यानी कि हमने क्या हुआ ग्रॉस प्रॉफिट में से टैक्स काट दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास बचा नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी दे रखा है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे भी दे रखा है, वैल्यू दोनों की सेम है और सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 8 दे देंगे या 10 दे देंगे, ऐसा नहीं होता, सेम ही रहेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट थोड़ी ना बदलेगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे क्या है 9.00 प्लस में डेप्रिसिएशन देखो कहाँ पे दे रखा है, यहीं कहीं दे रखा होगा, ये रहा डेप्रिसिएशन है 2.50 का, तो 2.50 का आगे क्या दिया है, अदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो देखो अदर MFG एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ पे MFG एक्सपेंसेस का मतलब यही है कि जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वही, तो 10.00 प्लस में इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं लोन पे, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1.00 का, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन टर्म, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1.00 का, और रीपेमेंट ऑफ लोन। अब यहाँ पे देखो लोन हमने कौन कौन से ले रखे हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 और 46, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 46 कहाँ गया, अच्छा इन दोनों का मैंने ऐड नहीं करा, डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है 21 प्लस 25 मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, इन सारों चारों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा 22.5 और नीचे आएगा 47.00। अब जब पॉइंट हटाएंगे एक मिनट बस, यहाँ पे आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, पॉइंट के बाद जीरो भी तो आते हैं यहाँ पे, हाँ 22 देखो अगर हम ऐड करें, बस एक मिनट है ना, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो हाँ गाइज यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आता हमारा, यहाँ पे मैंने ना सिर्फ 22.5 लिख दिया, यहाँ पे हमारा पॉइंट के बाद जीरो भी तो है ना, तो अब आप कहोगे पॉइंट के बाद जीरो की तो वैल्यू होती नहीं है,
होती नहीं है, बट फिर भी जब हम दो टर्म्स ले रहे हैं सारी चीजों में तो हमें दो टर्म्स ही लेनी चाहिए ना। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी दो जीरो आ जाएंगे, तो ये 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम डिवाइड करेंगे क्या, 225 डिवाइडेड बाय में 47 और 470 अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैं एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर हम अपना आंसर चेक करेंगे तो हमारा आंसर तो यही आएगा। अब आप सोचोगे कि गलती कहाँ पे हुई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, आंसर हमारा सेम आएगा, ऐसे करो, बस मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने ना जीरो नहीं लगाया था, और वो अगर आप जीरो नहीं भी लगाओगे क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं जीरो की वैल्यू नहीं मानी जाती तो उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि अगर आप कह दो कि मैम पॉइंट के बाद तो जीरो आ रहा है और यहाँ पर अगर हमने दो टर्म्स लिए हैं तो इसलिए हमने, क्योंकि इक्वल रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप दो टर्म लोगे ना तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब देखो अगर आप ऐसे लोगे ना 2.5 क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, और फिर लोगे 470 अब देखो 47.00 है, अब यहाँ से हटाओगे पॉइंट तो 100 आ जाएगा, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 225 डिवाइडेड बाय 470, यहाँ पे भी 225 डिवाइडेड बाय 470। बस मैंने क्यों इसलिए ऐसा किया, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ से एक पॉइंट कहाँ चला गया, इसलिए मैंने ऐसा सॉल्व किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है हाउ इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ में क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे 16.00 का, तो वो हम लिख लेंगे। नेट सेल्स है हमारी 105.00 की और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 16.00, नेट सेल्स है हमारी 105.00 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.1524। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 तो ये क्या हो जाएगा, दो टर्म्स आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 15.24, और ये 100 मल्टीप्लाई किया है इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा परसेंटेज की वैल्यू में। तो ये अब मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही हमारा नेट प्रॉफिट भी सॉल्व होगा। तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें अपना, यहाँ पे क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट रेशियो है हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमारी नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट की वैल्यू है हमारी 9.00 और हमारी जो नेट सेल्स है वो है हमारी 105.00 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप 9.00 डिवाइडेड बाय 105.00 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका नेट रेशियो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा यहाँ पे आपका 8.57% का। तो ऐसा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं। तो अब बस हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। तो हमें क्या करना है, इन पे अपना रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देखो नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 9.00 का, आफ्टर टैक्स यानी कि हमने नेट प्रॉफिट जो है उसमें से जब हमने टैक्स दे दिया, नेट प्रॉफिट में से भी जब हमने टैक्स दे दिया तो नेट प्रॉफिट ये रहा हमारा, और आफ्टर टैक्स, टैक्स कहाँ है हमारा, टैक्स ये रहा, इनकम टैक्स हमारा 4.00। तो अब इसे माइनस 4.00 कुछ गलती कर दी क्या, हाँ इनकम टैक्स है हमारा यहाँ पे 4.00, मैंने ले लिया इसे 5.00, चलो कोई बात नहीं उससे तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे 5.00। चलो कैलकुलेट अभी मैं करके दिखा दूंगी, इसमें कोई परेशानी बात नहीं है। देखो नेट प्रॉफिट है 9.00 माइनस इनकम टैक्स हमारा 4.00 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा फॉर्मूला होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे टोटल असेट्स है ना उसमें से जब हम अपने लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। अब टोटल असेट्स क्या होते हैं, टोटल असेट होते हैं शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे और अपने लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो 16 और 22 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा कहाँ गया, ओ सॉरी ये तो हमारा वो है ना, हमें असेट्स चाहिए,
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने यहाँ आपको क्या बता दिया, यहाँ मैंने आपको बताया ये इक्विटी होती है, सॉरी गलती हो गई, ये होती है हमारी इक्विटी, मैंने आपको बताना है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज की यहाँ पे बात चल रही है कि हमने जो पैसा यूज किया वो तो असेट्स और लाइबिलिटीज में से ही करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने आपको गलती से ये जो है ये इक्विटी होती है। अब देखो असेट्स हमें क्या करना है, टोटल असेट्स, क्योंकि टोटल की बात चल रही है, तो टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स क्या है हमारे 60 प्लस में 23.40, माइनस कर दो लाइबिलिटीज को 16.00 को, तो 60 प्लस में 23.40 को प्लस करोगे और माइनस करोगे ये 16.00, तो आंसर आएगा ऊपर माइनस करोगे तो क्या आएगा 5.00 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस करोगे तो आंसर आएगा 67.40। तो अब देखो 5.00 डिवाइडेड बाय 67.40 मल्टीप्लाई बाय, यह पॉइंट हटाओगे तो 100, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100, ये कैंसिल हो गया पूरा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, आपको डिवाइड करना है 674 को 50 से। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में, मैं एक बार अपने साइड में बुक में कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस जब आप इसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0741 और आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। तो अब आपको पूरा तो करके दिखाना नहीं है, हमें यह करना है, अब हमें परसेंटेज में अगर आप वैल्यू चाहते हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अब 100 है 20, यानी कि दो बार ये पॉइंट क्या है डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, तो 12, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इसकी क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगी आपकी 7.7, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, हाँ 7.41%। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, अब आप समझ सकते हो ना, मैं भी तो इंसान हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता है, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो देखो रिटर्न ऑन, अब ऐसी गलती आप प्लीज पेपर में मत करना, क्योंकि जैसे मेरे से गलती हो गई आप तो क्रॉस चेक करोगे, जैसे अभी मैंने दोबारा यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे मेरे को मेरी गलती मिल गई। अगर आप अपना पेपर रिवाइज करोगे तो ये नंबर्स का काफी ध्यान रखना, क्योंकि इनमें नंबर कट जाते हैं, लेकिन हाँ अगर आप जो स्टेप सही करते हो तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं। तो देखो अब हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया, अब बताना है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम भैया, एवरेज टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। अब यहाँ पे मैं शेयर होल्डर इक्विटी की बात करनी है, यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, यहाँ पे हमने बात करी थी टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज की, यहाँ पे इक्विटी की बात होगी। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमारा नेट प्रॉफिट था 9.00, माइनस में टैक्स था हमारा 4.00, यहाँ पे भी लगता है मैंने 5 लिखने वाली थी, 4 ठीक कर दिया, चलो। तो और एवरेज टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी देखो तो इक्विटी ये होती है हमारी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो टोटल बोला है, देखो टोटल बोला है ना, टोटल तो प्लस कर लेंगे 16.00 प्लस में 22.00 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.00 बाय में 38.00। अब पॉइंट हटाओगे 100 बाय 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल। अब देखो 5 बाय में 38 अगर आप करोगे तो आपका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी कितना आएगा 13.16%। अब ये हमारा हो गया, अब हमारा जो लास्ट दो फॉर्मूले बचे हैं ईपीएस का और पीई रेशियो का वो हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारा पूरा न्यूमेरिकल्स वाला जो ये चैप्टर है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अगर आगे देखें तो यहाँ देखो कैलकुलेट ईपीएस एंड पीई रेशियो। तो अब देखो ईपीएस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना है शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल कितना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर हैं। तो देखो नेट प्रॉफिट क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट हमारा 9.00 और नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको देखोगे शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे अमाउंट है 16 करोड़ की, मैंने अभी आपको कहा था ना सारी टर्म्स क्या है इन करोड़ हैं, एक बात अच्छे से ध्यान रख लो, सारी टर्म्स मैं आपको बहुत देर से बताते आ रही हूँ, इन करोड़ है, यहाँ पे अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये है 16 करोड़। अब 16 करोड़ कैसे है, यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, इक्विटी शेयर ईच ऑफ 10 rupees ईच, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 crore टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, और हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की ही जरूरत है। तो और यहाँ पे अगर हम देखें नेट प्रॉफिट भी क्या हमारा 9 crore का है, तो अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं ना बार बार ही कि इतना बड़ा लिखोगे 9000000000, 7 होता ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक हो गया 1, 10, 100, 1000, 10 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, तो ज्यादा हो गया 9 crore डिवाइडेड बाय में 1
एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब बार बार इतना सारा जीरो लगा के थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करा, इसकी जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे 9.00, क्योंकि ये भी करोड़ में है वैल्यू, डिवाइडेड बाय में एक करोड़ शेयर्स है ना, तो इसलिए 1.00। अब पॉइंट हटाओगे तो दो जीरो हंड्रेड, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो हंड्रेड, दो जीरो कैंसिल, हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल, तो यानी कि आपका एक शेयर पे आप कितनी पैसे कमा रहे हो, अर्निंग पर शेयर आपकी 9 रुपीज की। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर ली। अब आगे दिया हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि इसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से, एक मिनट बस। ओके डन, यहाँ देखो प्राइस अर्निंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, पीई रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है हमारा मार्केटर आइस प्राइस, आइस पर शेयर। आइस प्राइस क्या होता है, आइस पाइस तो हम खेलते थे बचपन में, छुपम छुपाई आइस पाइस बोलते हैं ना उसे। चलो देखो, मार्केटर आइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, ईपीएस अभी हमने कैलकुलेट करा है। तो पीई रेशियो, अब देखो मार्केटर आइस पर, आइस पर शेयर, अब ये हमें कहाँ मिलेगा, ये भी हमें यही मिलेगा। अब ये यहाँ कैसे मिलेगा, यहाँ पे भर गई है जगह, तो इसलिए मैंने उसे लास्ट पेज पे लिख लिया है। आपको बुक में ही दे रखा है, देखो आप अगर अपने बुक चेक करोगे तो आपको दे रखा होगा मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर रुपीज 20.00। यहाँ पे मार्केटर आइस पर शेयर का मतलब और मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर का मतलब सेम ही है। तो 20.00 डिवाइडेड बाय ईपीएस कितना है, अभी हमने निकाला 9.00, पॉइंट हटाएंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पी रेशियो आ जाएगा आपका 2.2। तो इसके साथ हमारे सारे फॉर्मूले वाले जो हैं, फॉर्मूले हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। आई होप अब तो आपके अंदर अच्छा वाला दम वाला कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब तो हम सारे कर लेंगे मैम, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करा दिया, कोई भी डाउट है, कुछ भी परेशानी हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियोस अच्छी लग रही होंगी आई होप आपको, और वीडियोस को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी अपने बोर्ड में थोड़ा अच्छा कर पाए। ऐसा नहीं कि अरे मेरा दोस्त क्यों, मतलब ऐसा सोचना कि मेरा दोस्त भी करे, ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त क्यों करे या कोई और क्यों करे, मुझे ही नंबर लाने हैं। बेटा सबको साथ लेके चलना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ होती है अगर आप करोगे तो। तो प्लीज़ अपनी वीडियो को, देखो बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्लास ग्रुप में भी शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।